ये देखो पूरा आर्टिकुलेशन सारे मजे लेने तुम आए हो मम्मी ना कोट मांग दी, पापा ने हाथ ही पकड़ लिया और पापा ने मेरी जैकेट कल वाली चुरा ली, करे बड़ी अच्छी लग रही थी, आज पहन ली इन्होंने। मेरे को अपने कपड़ों की फिक्र नहीं है, मैं तेरे कपड़े पहन। 55 साल के बुड्ढे को अगर यंग दिखाना है, ओए कुत्ते, अगर किसी 55 साल बंदे को यंग दिखना है तो भाई अपने बच्चों की ना क्लोजेट देख लो, स्पेशली जो आजकल के बच्चे तो और जेन ज़ी है हमसे भी, उनके कपड़े पहन लो। आप 15 साल वैसे ही छोटे हो, आप किसके कपड़े चुराते हो ये बस पता नहीं। देखा नीचे जूते देखे, मैं जूते तो चेंज कर लो यार। आज मम्मी सबसे ज्यादा खुश होने वाली, जो आपकी डिमांड थी मर्सिडीज टाइप वो वापस आ रही है, सब खुश होने वाले हैं बिकॉज क्या गाड़ी है। कर्नल साहब की आज किस्मत ही खराब है, मैंने ना इनके लिए बड़ी तगड़ी चीज सोची हुई थी बट सामने विजिबिलिटी तो भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है। मम्मी को सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है, पागल मिलेंगे 6 डिग्री और जा रहे हैं। मैंने ना सुबह सुबह वेदर ऐप खोला, इधर दिखा रहा है 60 डिग्री, शिमला और मसूरी में दिखा रहा है 10 डिग्री। स्नोफॉल होने वाली है गुड़गांव में, ये देखो ये नया है, जब से शादी हुई तब से स्नोफॉल ही हो रही है बेटा। मजाक नहीं कर रहा था, लिफ्ट में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। माय लोकेशन दिखा रहा है 10 डिग्री, शिमला दिखा रहा है 13 डिग्री, मनाली ठंडा होगा फिर भी, और मसूरी 12 डिग्री। पापा काम करते हैं, वहाँ पे क्या रिजॉर्ट बनाना है यही बना लेते हैं, लोगों को बोलेंगे अभी भी मसूरी की जगह गुड़गांव, स्नोफॉल हम आर्टिफिशियल बना देंगे, या क्या पता हो भी जाए कुछ महीनों में, इससे अगले साल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पता चले गुड़गांव में स्नोफॉल हो रही है, मसूरी सूखा पड़ रहा है। आज गुरु गोबिंद सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी है तो उसके लिए आज ये पूरा कीर्तन वगैरह निकला है। आई थिंक प्रोसेशन आज है बर्थ एनिवर्सरी लतिका सहल के लिए 17th को, गाइस आई माइट बी रॉन्ग। हमारा जो आज का प्लान था ना, ये मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा टेंशन मत लो, बढ़िया ड्राइव होगी, बढ़िया खेत होंगे, बढ़िया धूप में सिखवाएंगे, और मम्मी गुस्सा हो गई, बढ़िया रजाई में मैं बैठी हुई थी और मेरे को ले आई उतनी ठंड में। मेरा साला एक संडे मिलता है मैं आराम करने के लिए पूरे हफ्ते में। यार पापा ना बीच में आए बैती गंगा में हाथ धो रहे, इन्होंने ही प्लान बनाया था कि हाँ हाँ चलेंगे, वेदर ने हमारा साथ नहीं दिया, बहुत ज्यादा धुंधला हो रखा है। हमारे सामने का व्यू इज लाइक एवरी कार गाइस ड्रीम, ये चेक करो सारी मर्सिडीज खड़ी। मम्मी हटो यार व्यू खराब कर रहे हो। AMG नॉर्मल सी क्लास, GLC ई क्लास, भैया को भी GLS दिखाने लाया, कल ये आई नहीं थी, कितनी बड़ी है, देख ज्यादा ही बड़ी है ना, ले ले क्या फील आ रही है, अब आ रही है। पीछे बैठ के देखना, आगे बैठ गई है, ये तो लतिका सहल की फेवरेट सीट है, इसमें तो बस यहाँ पे सोना ही है ना, कम्फर्टेबल है ना, बट इसका रिक्लाइन अभी भी ई क्लास जितना नहीं है जितना ई क्लास का होता, बस ये मैक्स हाँ सो नहीं पाएगी, ई क्लास ही ले लो। वो कह रहे हैं कि ई क्लास मार्च में आ जाएगी नई वाली, अब बता। भाई हमारे घर में सबको ई क्लास पसंद है, मुझे भी नई वाली तो स्पेशली बहुत ज्यादा प्यार है। अभी ना यहाँ पे गाड़ी की डिलीवरी हो रही है और मैंने पूछा कौन सी गाड़ी, वो कह रहे ई क्लास, मैंने कहा क्या पता 6 महीने बाद भी हम भी ऐसी ई क्लास की डिलीवरी ले। अब आप लोग को आइडिया दे देते हैं इतनी सारी मर्सिडीज हमारे साथ क्यों खड़ी हुई है, तो कल जब हम आए थे तो हमने एक दो गाड़ियां ऐसी बोली थी जो हमने कहा था कि हम इंटरेस्टेड है, एंड मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज हिस्ट्री रही है, जब भी करने से पहले कोई गाड़ी लिया उसने नाम नहीं बताया उस गाड़ी का, तो जो मैंने उनको गाड़ी कहा था वो कहते सर आप ना कल आ जाओ, कल हम एक बहुत स्पेशल इवेंट कर रहे हैं, उसमें ड्राइव होगी और आपको वो वाली गाड़ी भी चला लेना। मैंने कहा इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। फाइनली हमारे पीछे सब रेडी हो चुका है, वहाँ पे फ्लैग ऑफ होने वाला है। जो जो मुझे गाड़ियाँ दिख रही है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये EQE खड़ी है नई वाली, फिर GLE है, देन GLC है। तो हम बैठ चुके हैं GLE 450 जो है पेट्रोल, 380 हॉर्स पावर। ऑन करते हैं ब्यूटी को, हमारी गाड़ी को गए हुए 6 महीने हो गए बट हाथ सही बैठा हुआ है हर जगह, तो गाइस ऐसा कुछ लग रही है गाड़ी, वैसे ही बात है मर्सिडीज इज मर्सिडीज। पापा कह रहे हैं सब छोड़ो आज ही बुक करा दो, भाई सच्ची में फील आ रही है, ऐसा लग रहा है पुराने दिन वापस आ गए। मोड्स चेंज कर लेते हैं, तो अभी ये है कंफर्ट पे, इको और ऑफ रोड। एंड मुझे मर्सिडीज की ना एक बात अच्छी नहीं लगती, SUVs में इतने पावरफुल और इतने अच्छे इंजन दे रहे और स्पोर्ट मोड नहीं दे रहे तो वो फील नहीं आता। इसको मैनुअल पे शिफ्ट करके हम चला सकते हैं बट अगर वो सस्पेंशन रिस्पॉन्स स्टीयरिंग रिस्पॉन्स सारा थोड़ा टाइटन अप हो जाए तो और अच्छी फील आएगी। ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है, 4th नंबर पे चलेंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हैं। भाई भागती तो बहुत है साले, ओए ठीक है स्पोर्ट मोड नहीं है बट क्या क्रेजी भागती।
आगे लीड कर रहा है, जिसने सबसे आगे चल रहा है वो सबसे पीछे आगे, वो मुझे टोकने वाला है, वो बोलेगा चार नंबर धीरे चला। जी ये ली तो हमें पसंद आई। सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इंजन तो बहुत तगड़ा है, पावरफुल है, पंची है, बट ब्रेक तो है ही नहीं, अब ना बराबर ब्रेक है। इसके शू घिस गए होंगे बेटा। कितने किलोमीटर चले? 6000। हाँ तो ब्रेक शू घिस गए होंगे, तेरे जैसे किसी गधे ने चलाई होगी गाड़ी। हर चीज में मुझे क्यों फोड़ा मेरे को उतार दे, मैं दो गोभी के पराठे खा के आया हूँ। और वहाँ पे सैंडविच मिले थे वो भी खा लिए पापा ने। मेरा ऑफिस भी पास है। मुझे ये पीछे तो वैसे ही सोने की तैयारी कर, घर भी पास है। सारे उतर जाओ तो मैं गाड़ी ना छोड़ आता हूँ। लेनी किसको है? भाई अभी कलेश हो जाता है तो कैमरा करूँ ना इस गाड़ी में। सारी गाड़ी आगे निकल गई थी और मैं फुल स्पीड से जा रहा, गाड़ी ना कैमरा वाले के पीछे लगा रहा, और पापा का एकदम से आया। तेरी आदत है कि कैमरा दिखा उसके पीछे लगे हुए। कॉन्वॉय तो राइट में, कॉन्वॉय हमारे साइड पे चल रहा था। ये खाली पैच आया है तो थोड़ा टेस्टिंग। बढ़िया स्पीड में 80 पहुंच गई थी, अभी मैंने फुल एक्सीलरेशन नहीं करा, मेरी गर्दन गाड़ी के पार गई। दिमाग का तो मुझे पता था। सी क्लास थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस से जूझ रही है, इनका आपस का ही चल रहा है। दिमाग का तो मुझे पता था, थर्ड रो में गर्दन अभी मर्सिडीज वाले तो ना ऐसी टेस्टिंग करा रहे, पूरी तसल्ली करके भेजेंगे। अभी भाई ग्रेवल का पूरा ट्रेल है, देखो सैंड आ गई है। हमें 86 किलोमीटर हो गए, 3 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं। रवि उन्होंने बोला आधा घंटा और लगेगा, और लतिका साइकिल पीछे से ही बोलती कि रोको गाड़ी, कहती मुझे चिप्स खा दे। तो अभी पापा गए चिप्स लेने वहाँ पे, कनन सब ले आए पार्टी का सामान। मेरी बीवी को भूख लग रही है, ये मैंने बोला होता ना भूख लग रही है, कोई नहीं रुकता। तुम्हारे तो खोल के ला, ऊपर से खुला, ऊपर खुला, ऊपर मैनुअल पे चलाने की कोशिश कर। सारे मजे लेने तुम आए हो, चिप्स खिला रहे हो बेटा के। मैं तब से बोलो चला लो, टूटी फूटी सड़क थी, कह रहे अभी नहीं बाद में चलाऊं। कंफर्म मंथली क्रॉस, स्वीप कंफर्म मंथली क्रॉस, कॉपी दैट, अबाउट टू क्रॉस। भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी एक्सीडेंट हुआ है, एकदम ब्रांड न्यू लगता है यही है भाई। यहाँ पे ना फुल स्पीड होते हैं, बाइक तो हमने चलाई उस रोड पे तो हमें पता है, अगर आप कंट्रोल ना करो ना बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तुम्हें याद है ना तुम्हारे साथ जब फास्ट स्पीड पे गए तो क्या हुआ था? मैं तो उसके बाद आराम से चलाता हूँ, बस याद दिला रहा था बेटा। फादर का टॉन्ट चेक। भाई ड्राइव हो गई रियली की, बढ़िया हमने चलाई। अभी पीछे लाइव म्यूजिक चल रहा है, और इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए आए थे, 4 बजे हमने खाना खा लिया, इसको नींद आ रही है, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। हम चला ऑफ रोड करने वाले जीएलई में, एंड पापा कह रहे मैं नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूँ आप एक बार मुझे करने दो, देखो फिर आप अगली बारी। करेक्ट, इनका रिएक्शन देने में ज्यादा मजा आया। हम मम्मी पापा को ऑफ रोड कराने वाले हैं, मम्मी पापा का रिएक्शन खतरनाक, क्योंकि एक दो ड्रॉप्स मुझे पता है अच्छे हैं। इन्होंने दुबई में डेजर्ट सफारी करी हुई है, बट ऑफ रोड ट्रैक नहीं करा हुआ, एंड ये ठीक है, मतलब इसको मैं लेवल मीडियम बोल सकता हूँ। गाइस ये फर्स्ट ऑब्स्टिकल है, यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे एकदम, फिर हमने राइट कट करना है, एंड देन ड्रॉप आएगा। एंड अभी पापा को समझ नहीं आएगा ये कैसा क्रेजी ड्रॉप आता है। आराम से स्लो स्लो, या यार मम्मी 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 उसको देख, तो मम्मी को मत देख। अच्छा कट रखो ना पूरा मम्मी, मम्मी बताए, मम्मी को लग रहा था मम्मी गई राइट में। सो दिस इज जस्ट टू शो यू लाइक दिस इज अ ट्रेलर। मम्मा अब ये देखना, ऐसा कुछ आर्टिकुलेशन है यहाँ पे। अभी 37 डिग्री का इंक्लाइन आएगा। मम्मी देखो एकदम टेढ़ा, इतनी टेढ़ी है गाड़ी, मैंने फोन सीधा पकड़ा। अब ये है खतरनाक चीज, आगे आपको रोड इन दिखेगी। हिल डिसेंट कंट्रोल यूज करेंगे, जिसमें मैं ब्रेक पे बिल्कुल पैर नहीं रखूंगा, पैर हवा में। मम्मी देखो पैर हवा में है। यार ऐसे क्या डराना नहीं आ रहा यार, मम्मी डर नहीं रही आज। इतना एक्सपर्ट ड्राइवर और इतना कॉन्फिडेंट इंस्ट्रक्टर बैठा हो। बस तभी छोटा ट्रेंच था जो हमने से पहले करा, बड़ा वाला क्रेजी ट्रेंच है। आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, जस्ट अब आप कुछ सेकंड में आसमान की तरफ देखोगे बता। अब गाइस ये आसमान की तरफ जाएगी गाड़ी, वेरी स्टीप, कुछ नहीं दिखेगा। मम्मी कुछ दिख रहा है आपको?
बट इसमें कैमरा का फायदा देखो गाइस, कैमरा देख पा रहा है कि हम कहाँ। मम्मा ये देखो नीचे देखो ना, टेक ऑफ हो रहा है क्या गाइस, कैमरा दिखा रहा है कि हम कहाँ हैं। इतना डिक्लाइन है, मैं ब्रेक से पूरा पैर हटा दूंगा, अभी देखना। ये देखो पूरा खतरनाक ट्रेन है, ओए आर्टिकुलेशन भाई इसमें आ मजा। पापा को बहुत कन्विंस करना पड़ा, वो पता नहीं कर ही नहीं रहे थे। तो इनको फर्स्ट वाला मत कराना, तो फर्स्ट वाला जो हमने करा था राइट टर्न, वो एक्चुअली होता नहीं है सबके लिए, वो हम थोड़े एक्सपर्ट ड्राइवर है इसलिए। और वैसे मैंने ये करा हुआ ट्रैक, मुझे ब्रेक लगा। पापा मर्सिडीज चलानी भूल गए, गियर इन लग रहा। नहीं ऐसे पापा ब्रेक लगा। हां यार इतनी गाड़ियां चेंज कर सकते हो मम्मा। चलो तब तो मैं एक्सपर्ट ड्राइवर था, अब पापा चला रहे, अब डर नहीं लग रहा। राम राम बोल। चलो डैडी आप पे मुझे भरोसा है, मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है भाई। ये तो क्रेजी इंक्लाइन हो रखा है, पापा को पहला बिगिनर टास्क करा रहे हैं। मम्मी को अब डर लग रहा है, मैं तब आपने रिएक्ट नहीं करा, पापा चला रहे हैं आपको डर लग रहा है। मैं कहाँ जा रही हूँ सच्ची में, बहुत टेढ़े। ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक छोड़ो पापा, ब्रेक छोड़ो, छोड़ दी, एक्सलेटर भी नहीं दबाना। कुछ नहीं दबाया, पागल है दोनों एक साथ दबाने। पापा डरा रहे हमें, चलो पापा यार भगवान का नाम ले। बारिशों में ना लेके आऊंगा, वैसे भी मैंने सोचा हुआ है अपनी दोनों स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर दोनों लेके आऊंगा, एक गाड़ी पापा के पास एक गाड़ी मेरे पास, और हम ऑफ रोड करेंगे तक जीएलएस का। भाई ये बड़ा क्रेज, पापा स्लो, पापा बहुत और स्लो, पापा वो तो राइट करो पापा, राइट ब्रेक तो दबा दी थी, दबाई हुई थी कोई बात। चलो गुड फन गाइस, अभी दबा नहीं ब्रेक, मिशन सक्सेसफुल, दो गाड़ियों में नुकसान होगा और दोनों अपनी नहीं है। पापा को भी हमने ऑफ रोड करा दिया। जी कैसा लगा? वैसे एक सा एक बात है, तेरे साथ रह रहे के ना मजे तो आ रहे, जो फौज ने नहीं करवाया था वो एक तो वो कर लिया भाई, और मजे तो तू मेरे लेने लग जाता है। पापा को हमने सारे नहीं कराए बट फन। चेंज इन प्लान, पापा कह रहे हैं सेडान देखो क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी दो एसयूवीज हैं, सी क्लास काफी नई और अपडेटेड है। 6 महीने पहले का ब्लॉग देखा होगा जब मैंने 300D चलाई, ये 200 है। इसका कंसोल भी भाई बहुत ज्यादा प्यारा, जैसे एस क्लास जैसा आता है। ड्राइव करके देखते हैं, बिकॉज 300D चलाया था, मजा था। ये पेट्रोल है। मर्सिडीज की एक बात अच्छी लगती है भाई, एटलीस्ट उनकी जो सेडान गाड़ियां है उसमें ये स्पोर्ट्स मोड देते हैं। इस बटन से मोड चेंज कर सकते, तो हमने डाल दिया इसको स्पोर्ट पे। थोड़ी सी ट्यूनिंग एग्रेसिव हो गई है, तो इसमें आप डायल्स भी चेंज कर सकते हो, जिसको हम डालेंगे स्पोर्ट्स पे। 2, 3 मजा आया, सॉलिड। या तो मम्मी हंस देती है अगर कैमरा बंद हो ना, मम्मी ने पीछे 4 गालियां देनी होती है अलग। टेस्ट कर लेते हैं, बढ़िया टेस्टिंग कर ली है हमने, 0 to 100 हो गया टेस्ट। मम्मी ने टेस्ट नहीं, इवेंट बढ़िया खत्म हो चुका है, अब मैं चलाऊंगा। नहीं यार वहाँ शरब, मैंने बोला सी क्लास चला लो, जीएलई चला लो, कोई नहीं चलाया, इनको फॉर्च्यूनर चलानी है। मेरे को फॉर्च्यूनर चलानी है, क्यों मेरी गाड़ी है, मैं दूसरों की गाड़ी नहीं चलाता। जैसी गाइस अंकल भी ब्लॉग बना रहे, रेड लाइट आ गई, पता चले पुलिस इंस्पेक्टर आए और बोले आप साइड में लिया गाड़ी ने, तेरा ब्लॉग बनवाऊं। चले गए भाई वो लतिका साइकिल को हमने छोड़ दिया, मॉल चली गई मैडम कुछ शॉपिंग करने, खाना पीना हो गया था, घूमना हो गया था, पैसे खर्चने रह गए थे वो उसने खर्च लिए। हम तो घर जा रहे हैं शरीफों की तरह, घर की चाय पियेंगे और लोहड़ी जलाएंगे। वैसे तो कल हो चुकी है बट हमारी सोसाइटी में आज बना रहे हैं। एक्चुअली वो ना जब 60 साल के ऊपर जो मैनेजमेंट आ जाती है ना, उनको समझ नहीं आता कि हम कुछ नया क्या करें, तो वो सोचते हैं चलो लोहड़ी को ना एक दिन आगे कर देते, लोग 13 को मना रहे हैं, हम कुछ अलग करते, हम 14 को मना लेते। पता चला ये ना फैमिली ओनर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाए, बट देन ठीक है भाई, दिस इज जस्ट अ जोक। नीचे भी सेलिब्रेशन शुरू हो गई है एंड नीचे तो ढोल वगैरह भी बढ़िया बज रहे हैं। मम्मी ढोल सुनते नीचे चली गई कि मैं डांस करूं। इनको भी मैंने रेडी कर लिया, चल लो नीचे थोड़ा देख के आते हैं। कर्म साहब पूरा से नीचे जाने के लिए ना तैयारियां कर रहे हैं, समझने वाले समझ गए। नचाओ इनको अपनी उंगलियों पे, मेरी नाच ही रहे। नाचो
भाई लतिका साइकिल तो वहाँ पे लोडी तो चली रही है। ये पेट पूजा बहुत ज्यादा जरूरी है, गोलगप्पे शुरू हो गया वहाँ से ज्यादा भीड़ यहाँ लगी हुई खाले खाले सारे चटोरे आ गए हैं। तो भाई लोहड़ी हमने मना ली है दो बार, अब हम वापस आ गए, कल बहुत इंपॉर्टेंट शूट है एंड इसलिए मुझे हेयर कट कराना है, यहाँ से बाहर ज़्यादा आ गए। हफ्ते में जब शूट होने होते ना ऐसा भी होता है कि एक एक हफ्ते में एक बार हेयर कट कराना पड़ जाता है। मुझे था कल शूट है अच्छा था हो जाए, भाई बाल इतने ज्यादा छोटे कर दिए ना ऐसा लग रहा है 15 साल हम पीछे जा चुके। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में। कल का शूट बहुत खतरनाक है, मतलब हिंट दे देता हूँ, ऐसी चीज है जिसके बिना हमारी गाड़ी चल ही नहीं सकती। सोचो क्या है, किस चीज़ का शूट होगा।